Good morning, dear friends. सुप्रभात मेरे मित्रों. This is the day of the Lord. ये परमेश्वर का दिन है. God has given us this day. और परमेश्वर ने ये दिन हमें दिया. And He has given us that we may enjoy life and praise the Lord and glorify Him. और उसने ये दिन हमें दिया है ताकि हम उसके नाम की महिमा करें और उसके नाम को ऊंचा उठाएं. In the book of Acts, chapter 13, verses 1 and 2. प्रेरितों के कार्य उसका 13वां अध्याय पहले और दूसरे वचन में. We have the record of the call of God. वहां पर हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर की एक बुलाहट है. As the church in Corinth, in Antioch was fasting and praying. और जबकि जो कलीसिया अंताकिया में पाई जाती थी वो उपवास और प्रार्थना में लगी थी. That is according to chapter 13. और वो है प्रेरितों के कार्य 13वें अध्याय के अनुसार. And who were there attending? वहां पर कौन थे जो वहां पर भाग बने लिए हुए थे? The team of who's who. और कौन सा समूह वहां मौजूद था? Outstanding people. और वहां पर बहुत ही बेहतरीन प्रकार के लोग मौजूद थे. Apostle Paul was there. Paulus Spirit वहां मौजूद. Barnabas there. और बार्नबास वहां था. And Ananias there. और अननियास वहां मौजूद. All these great great men were there. और वो ये सब महान महान व्यक्ति वहां मौजूद थे. And suddenly the Holy Spirit broke out and spoke. और अचानक से पवित्र आत्मा का आगमन हुआ और पवित्र आत्मा ने बात की. Let us hear what as it is recorded in the 13th chapter. आइए हम सुनिए, सुनते हैं प्रेरितों के कार्य 13 अध्याय पहला और दूसरा वचन. अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, जैसा बार्नबास और शमौन जो निगर कहलाता है, और लुक्यूसियस कुरेनी, और चौथाई देश से राजा हेरोदेस का दूत भाई मनाहेम और शाऊल. जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बार्नबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है. The call of God. परमेश्वर का बुलाहट. See, the call of God is upon everyone. याद रखिए, परमेश्वर का बुलाहट हर एक के ऊपर है. Number one, पहली बात, God calls men to salvation. परमेश्वर मनुष्य को उद्धार के लिए बुलाता है. This call is given to everyone. और ये बुलाहट सबके लिए उपलब्ध है. But he does not want any single person in the human race to be lost in hell. क्योंकि वो नहीं चाहता कि मानवता का एक भी मनुष्य, एक भी व्यक्ति नर्ग में खो जाए. So he calls men to salvation. और इसलिए वो मानव को उद्धार के लिए बुलाता है. And that's why the Bible says. और इसलिए बाइबल कहता है. For God so loved the world. कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया. That he gave his one and only begotten son. कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया. That whoever believes in him. ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे. Shall not perish but have everlasting. उसका नाश ना हो, वो अनंत जीवन. This is a general call to everyone. और ये हर एक के लिए एक साधारण बुलाहट है. Notice what it says. और याद रखिए वहां क्या लिखा है. God's love is universal. याद रखिए, परमेश्वर का प्रेम तो सबके लिए. It is for everyone. ये हर एक के लिए है. But salvation is personal. लेकिन उद्धार व्यक्तिगत है. And no one is excluded. और किसी को भी छोड़ा नहीं गया है. But anyone who believes in him. लेकिन उसमें लिखा है जो कोई विश्वास करे. That is a condition. और ये परिस्थिति है. And so the first thing we think about this call is God calls men and women. For salvation. और इसलिए पहली बात जो बुलाहट के विषय में वो ये है कि परमेश्वर सभी को उद्धार के लिए बुलाता है. And secondly, दूसरी बात, God calls men to His work. परमेश्वर लोगों को अपने कार्य के लिए बुलाता है. That we see in this passage. और इस बात को हम इस वचन में देखते हैं. But in this call also, लेकिन इस बुलाहट में भी, there is a general call. एक साधारण या एक जो सबको बुलाहट है वो है. It is go into all the world. कि जाओ संसार के हर एक कोने तक. And the entire church has to be involved in this mission. और पूरी कलीसिया को इस कार्य में लगना है. And all the believers. और सारे विश्वासी. And in fact, यहाँ In the first century, पहली सदी में, the beginning of the church, जब कलीसिया की शुरुआत हुई, the people who did most of the evangelism and brought the multitude of people into the faith were all ordinary believers. और जो ज्यादातर लोग जो विश्वास में दूसरों को लाए वो एक साधारण विश्वासी थे. Not apostles. याद रखिए, प्रेरित नहीं. When the great persecution brought up. जब महान सताव शुरू हुआ. Every believer, every family, Christian family was
dispersed. हर एक मसीही परिवार को भगा दिया. Scattered. हर वो इधर उधर तितर बितर हो गए. And wherever they except the apostles. और जहाँ कहीं पर भी वो गए प्रेरितों के सिवाय. They stayed back in Jerusalem. क्योंकि प्रेरित तो यरूशलेम में ही बने रहे. And wherever these believers went. और जहाँ कहीं ये विश्वासी गए. They began to preach the gospel. वो प्रचार करने लगे. That is how churches were established. और इसी रीति से कलीसियाओं की स्थापना. Multitude of people were saved. और हजारों लाखों की संख्या में लोग बचे. So my friends. No one is exempt. Every believer, every child of God who are members of Christ's body, the church, you are given a mandate to witness for Jesus. और इसलिए मेरे प्रियो किसी को भी अलग नहीं छोड़ा नहीं गया है लेकिन अगर आप प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं तो आपको भी ये आज्ञा मिली है. But then we also must consider that there are specific call. लेकिन हमें इस बात को समझना है कि जब एक हाथ पर एक साधारण बुलाहट है सबके लिए साथ ही साथ दूसरे हाथ पर एक खास बुलाहट है. God chooses certain ones, separate unto me Barnabas and Saul. परमेश्वर कुछ को चुनता है जैसा लिखा है बार्नबास और साउल को मेरे कार्य के लिए अलग करो. You see, God also directs those whom he chooses. याद रखिए परमेश्वर दिशा निर्देश भी देता है उनके लिए जिन्हें परमेश्वर चुनता है. So that is calls, God calls men to his work. और इसलिए परमेश्वर मानव को अपने कार्य के लिए बुलाता है. Are you available to him? क्या आप उपलब्ध हैं उसके लिए? Are you willing to resign from your job and in obedience to God's call for specific ministry? क्या आप भी तैयार हैं अपनी नौकरियों को छोड़कर जब परमेश्वर आपको बुलाता है कि आपको वो खास सेवा दे करने के लिए? Maybe someone is right now being called of God as this coming in your heart that you should leave other business or job and enter into full-time ministry. हो सकता है आप में से किसी के हृदय में इसी क्षण आज की सुबह जब आप इस मानन को सुन रहे हैं बात आ रही है कि आप सारे दूसरे कार्य को छोड़कर संपूर्ण रीति से उसकी सेवा के लिए निकल जाएं. And God who chooses, और परमेश्वर जो चुनता है, He directs them. वही उनका दिशा निर्देश करता है. He empowers them. वो उन्हें सशक्त बनाता है. And He uses them. और उनका प्रयोग करता है. And the third thing is, तीसरी बात, God's plan is different from our own. याद रखिए परमेश्वर का योजना हमारी योजना से कई कुछ अलग है. First of all, पहली बात, we are inclined to make our own plan. हम तो हमारे अंदर ये आदत है कि हम अपनी योजनाओं को बनाते हैं. Then we ask God to bless our plan. और तब हम परमेश्वर से कहते हैं हमारी योजनाओं पर आप आशीष दीजिए, आशीषित करिए. How about us? हमारे विषय में क्या कहें? We have this tendencies to make our own plan. हमारे पास भी यही इच्छाएं हैं, ये आदत है कि हम अपनी खुद की योजनाएं बनाते हैं. And then we ask God to bless and approve. और तब उसके बाद अपनी योजना बनाने के बाद हम परमेश्वर से कहते हैं इस योजना पर तेरा आशीष दे और हमारा मार्गदर्शन. My friends, in God's kingdom, in God's work, it is not the way. लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के कार्य को करने का ये तरीका नहीं है. And so the next thing we must think. और इसलिए जो अगली बात हमें सोचनी है. We must discern God's will, and this requires waiting upon Him. और हमें तो परमेश्वर की इच्छा को पहचानना है. इसके लिए परमेश्वर का इंतजार, लौ लगाकर प्रार्थना, उस पर धीरज रखना जरूरी है. All of us are suffering from this problem of doing everything hurry 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 hurry. हम से हर एक इस समस्या में फंसा हुआ है कि हम हर एक बात को बड़ी जल्दी करना चाहते हैं. We want to have things happen fast fast fast. हम चाहते हैं कि बातें बड़ी जल्दी हों. And in this generation something important is missing in our character, that is patience. और इस पीढ़ी में कई एक बात नहीं है जो कि है हमारा धीरज. And the last thing I want to meditate. जो अंतिम भाग है जिसको मैं बताना चाहता हूँ. God's plan requires separation. परमेश्वर का योजना का के लिए जरूरत है खुद का अलग किए जाना. Separation from what? किस बात से अलग किए जाना? Separation from pride. और घमंड से अलग किए जाना. Separation from self. और खुद से स्वार्थ से अलग किए जाना. Separation from our own interest. और खुद के इच्छाओं से अलग किए जाना. Separation from the world. और संसार से अलग किए जाना. And separation totally from our sin. और अपने पापों से संपूर्ण रीति से अलग किए जाना. And when we separate from all these, और जब हम खुद को इन सारी बातों से अलग कर लेते हैं, we will be left empty. तब हम खाली रहेंगे. No. नहीं.
God has other plan. परमेश्वर के पास दूसरी योजना है. So the second part of separation is. इसलिए दूसरा भाग अलगाव का है. We are separated unto God. हमें अलग किया गया है परमेश्वर के लिए. When we, it is absolutely necessary for us to separate ourselves from these things that I mentioned. और ये तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम खुद को इन सारी बुराइयों से अलग करें जो मैंने अभी बताया. And when we do that, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं, remember we need to separate ourselves unto God. याद रखिए हमें खुद को अलग करना है परमेश्वर के लिए. And pray. और प्रार्थना कर, लॉर्ड, हे परमेश्वर, आई वेट ऑन यू, मैं तुझ पर इंतजार कर, आई एम नाउ हियर, मैं यहाँ पर हूँ, आई हैव सेपरेटेड माइसेल्फ फ्रॉम एवरीथिंग एल्स, मैंने अपने आप को हर एक दूसरी बात से अलग कर लिया, बट नाउ आई एम रेडी, अब मैं तैयार हूँ, आई एम अवेलेबल, मैं उपलब्ध हूँ, टेक मी, मुझे ले, एम्पावर मी, मुझे सशक्त बना, यूज मी, मेरा प्रयोग कर, फुलफिल योर प्लान इन, होने दे तेरी योजना मेरे जीवन में पूरी हो जाए, थैंक यू, धन्यवाद. And as you do, जैसा आप ऐसा may the Lord's blessing be upon you. होने दे परमेश्वर का आशीष आपके जीवन. Do it joyfully. इसे आनंद के संग करें. Do it excitedly. और बड़े रोमांच के साथ इसे करें. Because you are going to be used of the Almighty God. क्योंकि परमेश्वर आप सर्वशक्तिमान आपका प्रयोग करें. For His kingdom. अपने राज्य के लिए. Amen. Amen. Holy Spirit of God. परमेश्वर का पवित्र आत्मा. We thank you. हम तेरा धन्यवाद करते हैं. That none of these things we'll have to do in our own strength. इनमें से एक भी बात को हमें अपने शक्ति से नहीं करना. When we have that desire, जब हमारे पास ये इच्छा है, then you take over. तब तू हमारे ऊपर अपने, you put your power in us. अपने सामर्थ को हमें दे. You put your anointing upon. अपने अभिषेक को हमें दे. And you direct our way. और तू हमारा दिशा निर्देश कर. And you will use us. और हमारा प्रयोग कर. So that let there be no fear. और इसलिए दे कोई भय ना हो. God is with you. परमेश्वर आपके साथ. Amen. Amen. God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे.